हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो अध्यायों से हम जान रहे हैं हिंदी भाषा के विभिन्न शब्द, यानी कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हिंदी भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और सभी भाषाएं किसी ना किसी रूप में हिंदी भाषा से जुड़ी हुई होती हैं और सब भाषाओं के शब्दों के जो अर्थ हैं उन्हीं की लिस्ट, उन्हीं की सूची हम आपके सामने बता रहे हैं। पिछले दो अध्यायों में हमने हिंदी भाषा के कुछ नए शब्द और उनके अर्थ के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज के अध्याय में भी हम इसी श्रृंखला को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, हिंदी भाषा के शब्द अर्थ। दोस्तों, आज के अध्याय का मेरा पहला शब्द है जांबाज। जांबाज का अर्थ होता है जान की बाजी लगाने वाला। दूसरा शब्द है मुकर्रर। मुकर्रर का अर्थ है तय करना, हुकुमरा, शासक, गर्द, धूल। गुंजाइश कहते हैं संभावना को। और कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ा। तर्जनी यानी कि आपके अंगूठे के पास वाली उंगली। कुलिस का अर्थ है कठोर और सरोष का अर्थ है क्रोध सहित। कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं। भानुवंश, भानुवंश सूर्यवंश। निरंकुश यानी कि जिस पर किसी का अंकुश या दबाव ना हो। असंकु यानी शंका रहित। घालकु का अर्थ होता है नाश करने वाला। काल कवलु यानी कि जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो। अबुधु का अर्थ होता है ना समझ। खोरी को हम कहते हैं दोष। और हटकह का अर्थ है मना करना। अक्षोभा धीर या शांत या फिर जो घबराया हुआ ना हो। बदजोगू कहते हैं मरने योग्य को। अकरुण का अर्थ है करुणा सहित। गाधी सोनू यानी कि गाधी के पुत्र विश्वामित्र। आयमय यानी कि जो लोहे का बना हुआ हो। निवारे का अर्थ है मना करना। उखामे का अर्थ है गन्ने से बना हुआ। कृषाणु अग्नि। मंजू सुंदर। कटी कमर। किंकनी का अर्थ होता है करधनी। लसय यानी कि सुशोभित। हुलसय का अर्थ होता है आनंदित होना। किरीट हम मुकुट को कहते हैं। और जुन्हाई का अर्थ है चांदनी। द्रुम होता है पेड़। केकी मोर को कहते हैं। और कंज कली का अर्थ है कमल की कली। फटिक का अर्थ है स्फटिक या फिर प्राकृतिक क्रिस्टल। उदधि यानी समुद्र। आमंद यानी कि जो कम ना हो। मल्लिका है बेल जाति का एक सफेद फूल। आरसी आईना। व्यंग मलिन यानी कि खराब ढंग से निंदा करना। अरुण कोपल का अर्थ है लाल गाल। कंथा का अर्थ है अंतर्मन या गुदड़ी। उन्मन कहीं मन ना टिकने की स्थिति। सकल का अर्थ होता है सब या फिर सारे। वज्र का अर्थ है भीषण या कठोर। दंतुरित हम कहते हैं बच्चे के नए दांत को। और अनिमेश का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। मधुपर्क हिंदी में है दही घी शहद जल और दूध का मिश्रण। छविमान का अर्थ है सुंदर। सुरंग रंग बिरंगी। कुंतल का अर्थ है लंबे केश। मंझोला ना छोटा ना बड़ा यानी कि जो बीच का। पतोहू पुत्र वधु को कहते हैं। और निस्तब्धता का अर्थ है सन्नाटा। आवृत कहते हैं ढका हुआ या आच्छादित को। संबल सहारा। एहतियात सावधानी। प्लावित पानी भर जाना। तस्लीम सम्मान में। नफासत स्वच्छता। नफीस बढ़िया। आस्था का अर्थ है विश्वास या श्रद्धा। आतुर उत्सुक या अधीर। आवेश जोश। धर्माचार धर्म का पालन। विरल कम मिलने वाला। गैरिक वसन यानी कि साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाला गेरुआ वस्त्र कहलाता है गैरिक वसन। भग्नावशेष खंडहर। निषिद्ध यानी कि जिस पर रोक लगाई गई हो। कुमार्ग गामी यानी कि कुमार्ग होता है बुरी राह। गामी चलने वाला बुरी राह पर चलने वाला। दलीले का अर्थ है तर्क और अपेक्षा ध्यान न देना। तत्कालीन उस समय का। कुतर्क अनुचित तर्क। नामोल्लेख यानी कि नाम का उल्लेख करना।
दुराचार, निंदनीय आचरण, कालकूट, कालकूट का अर्थ होता है दोस्तों जहर, दृष्टांत यानी कि उदाहरण या फिर मिसाल, प्राकालीन, पुरानी, विक्षिप्त, पागल, परित्यक्त, पूरी तरह छोड़ा हुआ, खर्गिज, किसी हालत में, अभिज्ञता, इसके अर्थ है ज्ञान या जानकारी, ड्योरी दहलीज को कहते हैं, मार्फत होता है द्वारा, किसी के द्वारा कुछ होना, सजदा यानी कि माथा टेकना, तासीर का अर्थ है गुण, असर या प्रभाव, उहपोह उलझन या अनिश्चितता जो उसकी स्थिति होती है, गमक का अर्थ है सुगंध या खुशबू, बदस्तूर यानी कि कायदे से या फिर तरीके से, दाद किसी को शाबाशी देना, किसी की तारीफ करना, अदब जो कायदा है उसे कहते हैं या फिर साहित्य, जिजीविषा जीने की इच्छा, साक्षात यानी कि आंखों के सामने, कदाचित कभी या फिर शायद, निठल्ला जो बेकार है, अकर्मणीय यानी किसी किसी काम का नहीं है, बिना काम धंधे का, वशीभूत अधीन या फिर वश में होना। हिंदी भाषा के कुछ शब्द और उनके अर्थ हमने इस अध्याय में जाने और दोस्तों इसी श्रृंखला को अभी हम जारी रखेंगे और अगले अध्याय में फिर से नए शब्द और उनके अर्थों पर हम चर्चा करेंगे और इसी प्रकार हिंदी भाषा के जितने भी जितने तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अनंत शब्दों का भंडार है जिसे पूरा करना किसी के लिए भी असंभव है। सभी शब्द और उनके अर्थ बताना तो बिल्कुल असंभव है पर कोशिश है कि जितने भी मुख्य शब्द हैं उनके अर्थ मैं आपको बता सकूं और इसी श्रृंखला को हम अगले अध्याय में भी जारी रखेंगे। उसके लिए वही आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।